पहाड़ों में भी मतलब ऐसा पॉल्यूशन होने लग गया। तो जब एक्चुअली मैं दिल्ली में था तो उस टाइम पे मतलब मैंने वहां पे देखा था कि वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन रहता था कि एक बिल्डिंग से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं अगस्तुनी कॉलेज में, तो क्योंकि वहाँ पे मुझे अपनी मार्कशीट लेनी है और टीसी लेनी है। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे साथ है सुमित और हम लोग जा रहे हैं आज अगस्तुनी कॉलेज में। और हमने डिसाइड किया कि हम पैदल रास्ते जाएंगे, क्योंकि पैदल रास्ते मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए अच्छा हो जाएगा और मैं आपको यहाँ की कुछ लोकेशंस बता पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की ब्लॉगिंग शुरू करते हैं यहीं से, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लॉगिंग की है और आज मैं जाऊँगा दूसरे रास्ते से, क्योंकि जिस रास्ते से मैंने ब्लॉगिंग की है उस रास्ते पे ब्लॉग बनाना सही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आप पहले ही देख चुके हो। तो आज एक अदर रास्ते से ब्लॉगिंग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और आपके 2021 के ये दो दिन कैसे बीते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो उम्मीद मेरी यही रहेगी कि आपका जो 2021 है इसके लिए मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि आपका 2021 बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुजरे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरे। और मैं अभी थपलाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नमस्ते गढ़वाल में। और आज हम जाने वाले हैं अगस्तमुनि। तो अगस्तमुनि जाने का प्लान सडनली कुछ इस तरीके से हुआ कि सुमित और मैंने ITI का फॉर्म भरा था, तो जिसमें हम दोनों का सरकारी, तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है अगस्तमुनि जाने का कि हम दोनों ने ITI का फॉर्म भरा था, तो उसमें मतलब ये तो था नहीं कि गवर्नमेंट निकलेगा, बट सडनली दोनों का गवर्नमेंट निकला और ट्रेड भी हम दोनों को एक ही मिली है, मोटर मैकेनिकल की। तो हम दोनों का जो कॉलेज है वो सेम पढ़ा है। तो अभी हम दोनों का प्लान ये हुआ कि अगस्तमुनि जाएंगे अपने, मतलब मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया है बट इसका जो था वो फर्स्ट ईयर था, और इसकी जो TC लेने जाना है और मुझे भी थोड़ा अपने वहाँ से मार्कशीट वगैरह सारी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेने हैं, तो इसलिए हमारा आज अगस्तमुनि जाने का प्लान बना था सडनली। तो चलिए यहाँ से मैं ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ अपनी, और ये थी हमारी कुछ कहानी। तो हम दोनों की किस्मत ही कुछ ऐसी है कि साथ बड़े हुए, साथ मतलब बचपन से साथ रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ा, उसके अलावा दूसरी स्कूल ट्रांसफर हुआ तो दोनों में साथ में पढ़ा, और उसके अलावा जहाँ भी गए साथ में गए हैं अभी तक, और यही हमारी जीवन की एक मतलब अच्छी बात है कि, और कर भी दोनों एक ही मतलब चीज रहे हैं, ITI कर रहे हैं, मोटर मैकेनिकल से कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि साथ है बहुत लंबा और शायद एक ही कंपनी में लग जाए वो भी बात है, जिसमें ये अप्लाई करेंगे उसमें हम अप्लाई करेंगे, जिसमें हम अप्लाई करेंगे उसमें ये अप्लाई करेंगे। दूसरी बड़ी बात, अब दोनों ब्लॉगर भी हैं, ऊपर से ब्लॉग दोनों बनाते हैं, यूट्यूब भी दोनों का है, तो सेम चीज सेम टाइम सेम जगह पे सेम थॉट सेम रहे हैं हम दोनों के। तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से। तो फिर यहाँ से हम जाते हैं और ये है क्यूंजा वालों के खेत, तो फिर से देख सकते हैं सरसों से भरे खेत और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हुए, और उसके अलावा सामने है नदी, और नदी में शायद आपको दिखे पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये है मछली पकड़ने के लिए जिसको मेरी लैंग्वेज बोलते हैं गुआदा, और एक्चुअली एक जाल टाइप का होता है और इसके अंदर से पानी को डाला जाता है, और इसके अंदर बिल्कुल इतने बारीक छेद होते हैं कि जिससे मतलब मछली बाहर ना आ सके, तो जैसे पानी उसके अंदर गिरता है और मछलियाँ सारी छन जाती है, ये एक छालनी की तरह है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पानी छन जाता है तो वैसे अगर उसमें कोई भी कूड़ा बचता है तो वो ऊपर रह जाता है, ये भी उसी तरह काम करता है, उसी तरह वर्क करता है। और हम जा रहे हैं जयकंडी के पुल पे, तो हमारा जो प्लान था कुछ इस कदर है कि पिछली बार मैं गया था इस वाले रास्ते से, तो आज मैं जा रहा हूँ इधर के रास्ते से, और ये रास्ता जाता है आसो जयकंडी, और यहाँ से हमारा चंद्रपुरी का सफ़र है वो शुरू होता है और ठंड के बीच में। तो आज आपको मौसम जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि कैसा है, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और उसके अलावा ठंड इतनी ज़्यादा है कि मतलब जो आज बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन के जाना पड़ रहा है कि मतलब जिससे बिल्कुल भी हवा ना जाए, और इतना ठंडा है तो हाथ आप देख सकते हो कितने रेड हो रखे हैं ठंड के कारण, ये देखिए। तो मतलब इतना ज़्यादा ठंडा है आज कि हाथ भी
ढंग से काम नहीं कर रहे, और मैंने जो ये ट्राईपॉड पकड़ा हुआ है ये इतना ठंडा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बर्फ को पकड़ रखा है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है मेरे साथ और ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ये नदी है, और ये वही नदी है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये चंद्रमती नदी है, और ये नदी जाती है सीधा चंद्रपुरी। और सामने आपको जो ये गांव दिखाई दे रहे हैं ये है क्योंजा गांव, और क्योंजा गांव आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्योंजा गांव कितना बड़ा है। क्योंजा गांव स्टार्ट होता है यहाँ से, और इसके बगल एक गांव है भिराली, तो पूरा भिराली से स्टार्ट होता है क्योंजा गांव, और उसके बाद ख़त्म होता है यहाँ जाके लास्ट में जो ये मकान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जाके क्योंजा गांव ख़त्म होता है। और उसके सामने जो आपको ऊपर ये गांव दिखाई दे रहा है ये है कंडारा गांव। तो जो धुंध के कारण है, धुंध नहीं बोलेंगे हम इसे, धुंध ऐसी होती नहीं है एक्चुअली, ये सारा धुआं है, पॉल्यूशन है। तो पहाड़ों में भी मतलब ऐसा पॉल्यूशन होने लग गया। तो जब एक्चुअली मैं दिल्ली में था तो उस टाइम पे मतलब मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन रहता था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग नहीं दिखाई देती थी प्रॉपर। तो मतलब जो गाड़ियों का धुआं, वहाँ तो गाड़ियों का धुआं था, और उसके अलावा बीच में वो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा इसलिए हो गया था कि वहाँ पे जो किसान हैं हरियाणा के, तो उन्होंने धान की जो कटाई की थी तो उसके बाद जो पराली बच जाती है खेतों में तो उसको पूरा जला दिया था। तो उसके बाद मतलब हरियाणा सरकार ने और दिल्ली सरकार ने उस चीज़ पे बैन लगा दिया था, तो इसलिए मतलब वहाँ पे उस टाइम इतना ज़्यादा धुआं था कि कुछ भी दिखना इम्पॉसिबल था। और इम्पॉसिबल भी है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग नहीं दिख रही थी, और मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है वो 50 से 100 मीटर से ज़्यादा नहीं थी, इतना ज़्यादा धुआं था उस टाइम पे यहाँ पे। तो इसे देख के वही याद आ रहा है क्योंकि इसमें भी वैसे ही धुआं है और वैसे ही वही हालात हैं, और धुआं तो मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो होता है पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनको ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो उससे एक्चुअली होता ही है कि मतलब जो धुआं है वो बिल्कुल कम हो जाता है, भी हमारे सामने नहीं हुआ। तो इतनी सर्दी में जो पहाड़ों की महिलाएं हैं वो अपना जो संघर्ष करते हुए मतलब इतनी सर्द में और घास को निकाल रही हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहाड़ी लाइफ के लिए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि पहाड़ी लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। और फिर से आते हुए सरसों के खेत और गेहूँ के खेत जो आपको दिखाई दे रहे हैं आगे, तो ये है बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्योंकि पास में गांव और गांव के बीच में खेत, तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और जो है मंदिर है खेतों के बीच में, तो ये शायद देवी माँ का मंदिर होगा, बट शायद फोन उतना कैप्चर ना कर पाए। और एक बेहतरीन सी चीज़ नीचे देखो, वहाँ पे जो खेती है केवल सरसों की खेती है, और मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है कि हम उसको बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ शब्दों में बयां करने के लायक नहीं होती है क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे मन को अट्रैक्ट करती हैं, और मन को अट्रैक्ट करने के बाद मन को एक अच्छी सी खुशी मिलती है ऐसी चीज़ देख के। कि अब मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी प्रकृति के दो पहलू होते हैं, जैसे एक पहलू है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और एक पहलू है ऊपर। तो लोग मतलब पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आप भी देख सकते हो कि जो नीचे सरसों के फूल, और सरसों के फूल जो है वो क्या कहते हैं कि सरसों के फूल हमारी प्रकृति को सजाए हुए हैं, बट तो यहाँ पे पेड़ों के बीच में छोटा सा रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो एक्चुअली पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से होते हैं। और आगे है यहाँ से जो अजयपुर का व्यू है,
वो कुछ ऐसा है। और अजयपुर जो है वो बिल्कुल खेतों के बीच में बसा हुआ गांव है। और अगर आप अजयपुर को दूर से देखोगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है, काफ़ी बढ़िया दिखता है। तो जैसे कि आप ये नीचे बंजर खेत देख रहे हैं, तो उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है ये कि लोग यहाँ पे खेती पर्याप्त मात्रा में है, सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में है, बट लोग यहाँ पे खेती करना नहीं चाहते। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों नहीं चाहते। और हम लोग पहुँचे हैं चंद्रापुरी में और यहाँ पे चल रहा है भवनों का निर्माणीकरण और नव निर्माणीकरण चल रहा है, भवन नए बनाए जा रहे हैं। और हम लोग चंद्रापुरी मार्केट में पहुँचने वाले हैं, तो आपको सामने दिखाई दे ही रहा होगा कि चंद्रापुरी आ चुका है, गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी और नीचे है नदी। तो नदी के हैं कुछ बेहतरीन से नज़ारे और यहाँ से नदी मिलती है अलकनंदा नदी में, मंदाकिनी नदी में, सॉरी मंदाकिनी नदी में। ये हमारी गलती थी और थोड़ा दिव्याग का ध्यान आ गया था। और सामने खिले हुए हैं बहुत अच्छे से फूल। और उसके अलावा चले हैं चंद्रापुरी मार्केट की ओर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि चंद्रापुरी मार्केट बंद है और गाड़ियों के हॉर्न से आपको पता चल ही रहा होगा, गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, बट ये वाली दुकान खुली है। और आज है चंद्रापुरी मार्केट पूरा बंद है। वह कॉलेज कॉलेज हम जा रहे हैं कॉलेज की ओर आज। अगस्तवली क्यों आज हम चंद्रापुरी घूमेंगे भाई। गाड़ी का इंतजार, हमारे भैया ने भी पहना है मास्क, वर प्राथमिक सुरक्षा। गाड़ी आई